महादीप सट्टा ऐप मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। महादीप सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दुबई में आरोपी सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी कर ली गई है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय ईडी सीबीआई ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। सरकार ने सीबीआई को महादीप सट्टा ऐप घोटाले का मामला सौंपा था। अब तक 19 आरोपियों में से 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर, जो कि दुबई में ऐश काट रहा था, अब कानून के शिकंजे में आ गया है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सौरभ चंद्राकर, जो कि इस महादीप सट्टा ऐप का पूरा तरीके से मास्टरमाइंड था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। यूएई के अधिकारी ने भी यह जानकारी साझा कर दी है। तो बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा को हिलाकर रख देने वाले महादीप सट्टा ऐप घोटाले का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और जल्द ही उसको भारत लाया जा सकता है। आपको बता दें कि सीबीआई को केस दिए जाने के बाद इस मामले में आगे तूल पकड़ा और यूएई के अधिकारियों ने यह साझा जानकारी दी है कि इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर कार्रवाई कर सौरभ चंद्राकर को दबोच लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यह बड़ी खबर महादीप सट्टा ऐप मामले से जुड़ी हुई, जिसने छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन कर दिया, जिसमें सरकार हिलाकर रख दी, उसी घोटाले का मास्टरमाइंड, उसका सरगना सौरभ चंद्राकर अब कानून के शिकंजे में है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर कार्रवाई की गई है। इसमें विदेश मंत्रालय, ईडी, सीबीआई, ये तमाम एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई का प्रतिफल यह है, रिजल्ट यह है कि आखिरकार ये मास्टरमाइंड, जिसने लाखों मासूमों की जो खून पसीने से कमाई गई धन संपदा थी, उसको महादीप सट्टा ऐप के मामले से खुर्द-बुर्द किया, अपने आप दुबई में मौज काट रहा था, इस आरोपी को दबोच लिया गया है। रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। खबर पर आज जानकारी के साथ हमारी संवाददाता लक्षिका साहू जुड़ रही हैं। लक्षिका, वो आरोपी जिसने छत्तीसगढ़ की सरकार तक हिलाकर रख दी थी, उस आरोपी को, सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताइए, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कब इसको भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, ये बड़ा आरोपी जो महादीप सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड माना जाना था, उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और ये दुबई में इसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को मिली है। तो देखिए, अधिकारी जो है गुप्त तरीके से लगातार, जब से सीबीआई को ये मामला हैंडओवर किया गया था, तब से इसकी जानकारी जुटा रहे थे और जो है नाम छुपा करके वहाँ पर जो है ये सौरभ चंद्राकर रह रहे थे। तो इसी को लेकर के लगातार जो अधिकारी है इंटरपोल के, वो लगे हुए थे और इसी कड़ी में जो है ये बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और विदेश मंत्रालय को जो है वो जानकारी दे दी गई है। तो जल्द ही जो भी औपचारिकता है, जो भी पेपर वर्क है, वो पूरा किया जाएगा, उसके बाद सौरभ चंद्राकर को भारत वापस लेकर आया जाएगा। तो देखिए, ये बड़ी कार्रवाई है क्योंकि इनको महादीप सट्टा ऐप मामले जो घोटाला है इतना बड़ा, जो कि सरकार हिला दिया था, जिसने कांग्रेस की, जैसा कि आपने बताया, तो उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखिए, 19 लोग जो है इसमें आरोपी ठहराए गए थे, जिसमें से 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये जो है ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। और अब जो है और कई सारी परतें इस पूरे घोटाले के खुलने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं और ऐसे ही आगे परते दर परते इस पूरे घोटाले की खुलेंगी, जो कि जल्दी सामने आएंगी। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ पूरे सूबे को हिला देने वाला आरोपी अब जो है वो गिरफ्तार हो गया है, कानून के शिकंजे में। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया लक्षिका इस अहम जानकारी के लिए।